दिस इज सी एम प्रदीप धनी वेलकम टू माई चैनल सो गाइज ऐसी जस्ट आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है कि इंट्रेक्शन uh, हो सी एम ए स्टूडेंट इंटर फाइनल के स्टूडेंट के साथ इंट्रेक्शन uh, हो कुछ भी उनको अगर कोई डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग देर एनी सब्जेक्ट कि सेल्फ स्टडी कैसे करे या कैसे दिसंबर ट्वेंटी एग्जाम की uh, के लिए तैयारी करे या फिर वो जून आगे फर्दर देना चाह रहे हैं तो इसी क्या uh, इसी के मद्देनज़र मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है कि ताकि आपसे लाइव इंट्रेक्शन हो सके और फोकस रखिए अपनी स्टडी पर मोटिवेटेड रहिए मैं मान रहा हूँ कि डिस्ट्रक्शन uh, बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी आई थिंक मेन मेन आर मैनी कीज़ ऑफ सक्सेस वन ऑफ दैम इज़ फोकस फोकस रखिए स्टडी पर जितने भी डिस्ट्रक्शन आ रही है उनको दरकिनार करिए दो महीने की बात है और छोटी सी वीडियोस है मैं ज़्यादा मतलब कोशिश करूँगा कि डेली या टू डेज या थ्री डेज या, 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 या वीकली एक वीडियो डालूँ मैं बट तो ज़्यादा लंबी ना हो मेरी ये कोशिश रहेगी अगर आपको अच्छा लगती है तो देखें और कुछ भी डाउट है तो किसी भी सब्जेक्ट में कि कैसे तैयारी करें या इसका पेपर कैसे सॉल्व करें या कुछ कैसे करें वो वो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा आप लोगों को हेल्प करने की और बस ये फोकस ऑन या स्टडी जितने भी डिस्ट्रक्शन आ रही है नेगेटिविटीज आ रही है उनको कुछ टाइम के लिए रिमूव कर दीजिए दिसंबर काफ़ी नज़दीक है और टाइम टेबल बनाइए कि अगर फाउंडेशन के चार सब्जेक्ट या इंटर के एक एक ग्रुप दे रहे हैं या अगर बोर्ड भी दे रहे हैं तो कैसे टाइम को एलोकेट करें कि तीन दिन ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं तीन दिन ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो मैं भी टाइम टेबल मैं तो स्टार्टिंग से ही फाउंडेशन हो इंटर हो फाइनल हो Uh, मैं तो टाइम टेबल से ही मतलब मैंने तो टाइम टेबल को ही प्रेफर किया है आप लोग भी टाइम टेबल पर फोकस करिए नोटिफिकेशन हैं उन लोगों पर भी ध्यान रखिए और दो चार दोस्त, दोस्त हों जो आपके मैंटर हों जो आपको मोटिवेट करते हों उनसे बात करिए जिन पर आपको फेथ हो और कुछ भी कमेंट हो डाउट हो आप मुझे डाल सकते हैं मतलब मैं अवेलेबल हूँ किसी भी चीज़ के लिए और बस फोकस ऑन योर स्टडी फॉर टू और थ्री डेज इट इज़ बेस्ट फॉर यू और वेट करते रहते धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूट ने बोला भी है कि धीरे धीरे करके और भी कुछ नोटिफिकेशन आती है जो भी आती है फाइनल के मोक टेस्ट पेपर अभी पेंडिंग है वो भी धीरे धीरे करके आ जाएंगे तो बस यही करना चाहूंगा अभी फोकस ऑन वन्यो, योर स्टडी टाइम टेबल बनाइए किस सब्जेक्ट को कितना एलोकेट करना है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देख लीजिए मोक टेस्ट जो इंटर के लिए रिलीज हो गए उन पर आप फोकस करिए तो यही है ये यह सीरीज को मैंने कंटिन्यू कराने की कोशिश करी है अगर आपको अच्छा लगे कुछ वैल्यूएबल लगे सजेशन तो देखिए अदरवाइज तो मैं अपनी भी वीडियो के लिए भी यही बोलूंगा कि फोकस ऑन योर स्टडी अगर लगता है कि इससे मेरी वीडियो से डिस्ट्रक्शन होता है तो आप प्लीज ना ही देखिए तो बेहतर रहेगा बाकी अगर लगता है कुछ वैल्यूएबल है कुछ पॉइंट्स अगर आपको पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं आई विल श्योर मतलब मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा तो आज के लिए इतना ही कोशिश करेंगे कॉन्टिन्यू रहे लेकिन फिर बोलूंगा जिसको लगता है कि इस वीडियो से आपको डिस्ट्रक्ट हो रहा है तो मत देखिए आप लेकिन अगर लगता है कुछ बेनिफिट है कुछ पॉइंट्स है मैं कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ एडिशन धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखते हुए और आप लोगों के लिए बेनिफिट हो ओके बाय थैंक्स गायस